बच्चों, मैं सोनू जांगिड आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 इंग्लिश का चैप्टर ए, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कौन थे? ईसा मसीह। तो बच्चों, आप स्कूल में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, तो वो कौन मनाते हैं? ईसा मसीह का त्योहार है वो। तो आजकल सभी स्कूलों में वो मनाने लगे हैं, प्रोग्राम होते हैं स्कूल में 25 दिसंबर को। तो ईसा मसीह के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर इन जेरूसलम। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को जेरूसलम में हुआ। मरियम वाज हिज मदर एंड जोसेफ वाज हिज फादर्स नेम। मरियम उनकी माँ और जोसेफ उनके पिता का नाम था। ही वाज ज्यू, वे यहूदी थे। एट दैट टाइम, उस समय मैनी ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास, ब्लाइंड यानी अंध, फेथ यानी विश्वास, वर प्रीवेलेंट यानी प्रचलित थे इन द सोसाइटी, समाज में। उस समय समाज में अंधविश्वास प्रचलित थे। सम क्लर्जीमैन चीटेड एंड मिसगाइडेड इनोसेंट पीपल। सम क्लर्जीमैन यानी कि कुछ पादरियों ने चेटेड धोखा दिया एंड मिसगाइडेड यानी गुमराह करना इनोसेंट पीपल, निर्दोष लोगों को। उस समय कुछ पादरियों ने निर्दोष लोगों को गुमराह किया। जीसस क्राइस्ट कुड नॉट बियर ऑल दीज बैड थिंग्स। जीसस के ईसा मसीह को ये सहन नहीं था कि दीज बैड थिंग, बुरी चीजों को, वो बुरी चीजों को सहन नहीं कर सकते थे। ही एडवाइज द पीपल, एडवाइज यानी सलाह देना, द पीपल लोगों को, उन्होंने लोगों को सलाह दी नॉट टू बी बिलीव इन सच ब्लाइंड थ्योरीज। उन्होंने लोगों को सलाह दी अंधविश्वास की कहानियों पर भरोसा नहीं करने की। ही प्रेचेड टू द पीपल इन द राइट वे। ही प्रीज्ड टू द पीपल इन द राइट वे। उन्होंने लोगों को सही रास्ते पर जाने का उपदेश दिया, सही रास्ता उन्होंने दिखाया। मैनी पीपल लिसन टू हिम एंड फॉलो हिम। कई लोगों ने उनकी बात सुनी, लिसन यानी सुनना, एंड फॉलो देम यानी उनका अनुसरण किया। कई लोगों ने उनकी बात सुनी और उनका अनुसरण किया। दे रिगार्डेड हिम एज द मैसेंजर ऑफ गॉड। वे लोग जो थे वो ईसा मसीह को भगवान का दूत मानने लगे। देयर आर मैनी लीजेंड्स ऑफ मिराकल्स अबाउट जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के बारे में कई किंवदंतियां हैं। वन ऑफ देम इज गिविंग लो, उनमें से एक दी गई है। वन डे जीसस केम टू द सी ऑफ गैलीली। एक दिन जो ईसा मसीह थे वो गैलीली के समुद्र गए। ही क्लाइम्ड अटॉप ए हिल एंड सेट देयर। वे चढ़ गए अटॉप यानी ऊपर, ए हिल यानी पहाड़ी, एंड सिट देयर और वो बैठ गए। वो एक दिन कहाँ गए? गैलीली के समुद्र गए और ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर बैठ गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एक क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड देयर। क्राउड यानी भीड़ ऑफ पीपल, लोगों की, गैदर्ड यानी जमा हो गई, वहां पे लोगों की भीड़ जमा हो गई। दे ब्रॉट लैम्प पीपल, वे ब्रॉट यानी लाए, लैम्प पीपल यानी लंगड़े लोग, सम ब्लाइंड्स कुछ अंधे, दीफ बहरे एंड डम और गूंगे लोग, पीपल विथ देम। वहां पे उस भीड़ में कौन कौन से लोग आए? कुछ लंगड़े, अंधे, गूंगे और बहरे लोग वहां पर आए। दे थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि द हैंडीकैप्ड पीपल, अपंग जो लोग थे, वुड गेट वेल, अच्छे हो जाएंगे इफ, यदि जीसस ब्लेस देम, अगर ईसा मसीह आशीर्वाद देंगे तो वो जो लोग थे अंधे, गूंगे, बहरे, वो ठीक हो जाएंगे। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। देयर वाज ए मिराकल,
वहां एक चमत्कार हुआ। द डम मैन बिगन टू टॉक, जो गूंगा था वो बोलने लगा। द लैम मैन बिगन टू वॉक, जो लंगड़ा था वो चलने लगा। जो लोग थे बिगन टू वॉक, चलने लगे, लंगड़े लोग थे वो चलने लगे। और द ब्लाइंड मैन बिगन टू सी, जो अंधे लोग थे वो देखने लगे। जस्टिस विथ ईसा मसीह को वेयर और आइज, अपनी आंखों से। तो जो लंगड़े लोग थे वो तो अपने पैरों से चलने लगे, और जो अंधे लोग थे वो अपनी आंखों से ईसा मसीह को देखने लगे। और द डीफ मैन कुड हियर क्लियरली, जो बहरा आदमी था वो स्पष्ट सुनाई देने लगा उसे। ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर वंडरफुल अलाउड, वंडर अलाउड, वहां पे सभी लोग जो मौजूद थे, प्रेजेंट यानी मौजूद थे, वो सब आश्चर्यचकित रह गए। द क्राउड सैंग एंड डांस्ड मेडली, वहां जो भीड़ थी वो गाना गाने लगी। एंड डांसिंग, डांस यानी नृत्य करने लगी खुशी से। तो वहां पे जो भीड़ थी वो खुशी से नाचने लगी और गाना गाने लगी। दे सैंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड, वे भगवान की प्रशंसा में गाना गाने लगे। दे डांस ऑल नाइट, वे उन्होंने पूरी रात नृत्य किया। दे स्टेड देयर फॉर 3 डेज, वे वहां पे 3 दिन तक रुके। दे वर हंग्री यट, वो बहुत भूखे थे, लेकिन दे वर ग्लैड, लेकिन वो बहुत खुश थे। दिस इज कॉल्ड हिज डिसिपल्स एंड सैड, दिस इज कॉल ने उनको बुलाया, ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि गिव देम फूड, उन्हें खाना दो। हिज डिसिपल्स सेड, उनके शिष्यों ने कहा, डिसिपल्स यानी शिष्य, डियर लॉर्ड, प्रिय भगवान, हाउ कैन वी गिव देम, हम हाउ कैन यू वी गिव देम, तो प्रिय भगवान, हाउ कैन वी गिव देम फूड, हम उन्हें खाना कैसे दे सकते हैं। दे आर सो मैनी, वो बहुत है, बहुत सारे हैं वो। एंड और वी हैव हार्डली एनी फूड, और हमारे पास कुछ ही भोजन है। क्राइस्ट, ईसा मसीह कहते हैं, हाउ मैनी पीपल आर देयर, वहाँ कितने लोग हैं। डिसिपल्स शिष्य कहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर माई लॉर्ड, वहां पे हजारों की संख्या में लोग हैं मेरे भगवान। लॉर्ड यानी भगवान क्राइस्ट मसीह, ईसा मसीह कहते हैं, हाउ मेनी लोव्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। डिसिपल्स शिष्य कहते हैं, ओनली 7 लोव्स, केवल 7 रोटियां हैं। क्राइस्ट बोलते हैं, हाउ मेनी फिश डू यू हैव, तुम्हारे पास में कितनी मछली है। डिसिपल शिष्य कहता है, ओनली ए फ्यू फिश, केवल कुछ ही मछली है। क्राइस्ट मसीह कहते हैं, ब्रिंग द 7 लॉव्स एंड ए फ्यू फिश हियर, ब्रिंग यानी लाना, 7 लॉव्स, 7 रोटियां एंड फ्यू फिश हियर, यहाँ पर 7 रोटियां और कुछ मछली है वो लेकर आओ। हिज डिसिपल्स ब्रॉट द लॉव्स एंड द फिश दैट दे हैड विथ देम, उनके जो शिष्य थे वो लेकर आए रोटियां और फिश, उनके शिष्य जो थे जो रोटियां लेकर आए और जो उनके साथ थी वो उन्हें लेकर आए। शिष्य ने क्या क्या किया, शिष्य ने किया कि जो रोटियां और जो मछली थी वो उनके पास थी जो वो लेकर आए। देन तब दे पुट द लिटिल फूड बिफोर जस्टिस क्राइस्ट, तब उन्होंने जो थोड़ा खाना था वो ईसा मसीह के सामने रख दिया। जिसस लुक अप इन द स्काई एंड सेड, ईसा मसीह ने ऊपर देखा आसमान की तरह और कहा, थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता, फॉर द फूड यू हैव सेंट फॉर दीज पीपल,
तो ईसा मसीह क्या कहते हैं, ईसा मसीह भगवान को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे फादर का मतलब भगवान से है, तो वो भगवान को धन्यवाद देते हैं और उनसे कहते हैं कि धन्यवाद भगवान जो आपने इन लोगों के लिए भोजन भेजा। ही देन सेड, और उन्होंने हिज डिसिपल्स, उन्होंने अपने शिष्य से कहा, डिस्ट्रीब्यूट दीज लव्स एंड फिश अमंग दीज पीपल, उन्हें रोटियों को और जो मछली है उनको लोगों में बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। थस इस प्रकार 10,4,000 पीपल एट द ब्रेड एंड फिश, इस प्रकार 4,000 लोगों ने वो रोटियां और मछली खाई। दे वर सेटिस्फाइड एंड देयर बेलीज वर फुल, वे बहुत संतुष्ट हुए और बैलीज यानी पेट, उनका पेट भर गया था। ऑल द पीपल शाउटेड विथ जॉय, वो जो लोग थे सभी लोग खुशी से प्रसन्न से आनंद से एंजॉय करने लगे। विक्ट्री टू जसिस, ईसा की जीत। विक्ट्री टू क्राइस्ट, मसीह की जीत। ही फॉरगिव्स हिज फोज, वो अपने दुश्मनों को भूल गया। फॉरगिव्स यानी भूलना, हिज यानी उसके, फोज यानी दुश्मनों को, वे दुश्मनों को भूल गए। ही इज द सन ऑफ गॉड, और वे भगवान के बेटे हैं। तो इस प्रकार हमने ईसा मसीह की एक कहानी पढ़ी। इसमें उनके शिष्यों के पास में बहुत कम रोटियां थी, 7 रोटी थी और कुछ मछली थी, और उन्होंने वहाँ जो लोग जमा थे, भीड़ थी, उनको वो रोटियां उन्हें देने के लिए कहा, क्योंकि वो भूखे थे। तो उन्होंने उनके शिष्य ने कहा कि इतनी रोटियां कम है, और वो शिष्य लोग जो थे वो इतने ज्यादा हैं, वो इतनी सी रोटियां कैसे खाएंगे सभी लोग। तो उन्होंने कहा कि आप लेकर तो आओ। तो शिष्य वो रोटियां लेकर आए और मछली लेकर आए और उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब उनमें लोगों में बांट दिया, और उन 4,000 लोगों का पेट भर गया। तो इस प्रकार उन्होंने 4,000 लोगों ने रोटियां खाई और वो संतुष्ट हुए और उनका पेट भर गया था, और वहां पे जो लोग थे वो खुशी के मारे चिल्लाने लगे। तो ईसा की जीत और मसीह की जीत, उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ किया, वे अपने भगवान के बेटे हैं। ये हुआ हमारा लेसन। अब हम आगे पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग। प्रीवेलेंट जनरली एक्सेप्टेड, क्लर्जीमैन होली मैन ऑफ रिलीजन, इनोसेंट जेंटल पीपल, प्रीस्ट गेव मॉरल एडवाइस, लेजेंड्स ट्रेडिशनल स्टोरीज, मिराकल्स वंडरफुल इवेंट्स, डीप पर्सन हु कैन नॉट हियर, डम पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, लैम पर्सन हु कैन नॉट वॉक, मैनली जॉयफुली, बैलीज स्टोमचेस, फोर्स एनिमीज। तो चलिए पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द गिवन वर्ड्स। ये वर्ड्स दे रखे हैं, इन्हें फिल करना है, खाली स्थान में भरना है। देयर वाज ए मिराकल, दे द क्राउड सैंग एंड डांस्ड मेरिली, दे वर हंग्री Yet they were glad. He climbed hill and sat. This is blazed them.
तो बच्चों ये थी ईसा मसीह की कहानी, आपको ये पढ़ना है और लर्न करना है। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।